खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां फैसलाबाद में मरकजी क्लोथ कोर इत्तेहाद के साथ चीफ ऑर्गेनाइजर अंजुमन ताजरान सिटी अलाइड ग्रुप इलहाज नसीर यूसुफ एरा की क्यादत में ताजरों का वफद मियां फारूक हबीब को वजीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात बनने पर मुबारकबाद देने उनके मरकजी ऑफिस पहुंचा। वफद में अंजुमन ताजरान पंजाब के सदर मियाँ जावेद, एम पी ए फिरदौस राय, जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काशिफ खान के अलावा दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर मरकजी क्लोथ बोर्ड इत्तेहाद के सर चीफ ऑर्गेनाइजर इलहाज नसीर यूसुफ एरा ने कहा कि मियां फारूक हबीब के वजीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात बनने पर फैसलाबाद की ताजर बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है। हमें यकीन है कि मियां फारूक हबीब फैसलाबाद की ताजर बरादरी के मसाइल हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे और हमें जिन मसाइल का सामना है उन्हें हल करवाएंगे। उन्होंने मियां फारूक हबीब को ताजर बरादरी के मसाइल के अलावा खास तौर पर चन्योर रोड जो कि मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, चन्योर से बजरिए एम्बुलेंस मरीज को फैसलाबाद के अस्पताल मुंतकिल करना पड़े तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाता है, रोड की तरफ से तवज्जो दिलाई। इस मौके पर मियां फारूक हबीब वजीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात ने मरकजी क्लोथ बोर्ड इत्तेहाद के सर चीफ ऑर्गेनाइजर अंजुमन ताजरान सिटी अलाइड ग्रुप इलहाज नसीर यूसुफ एरा की क्यादत में आने वाले वक्त का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम सब दुख सुख के साथ ही हैं, आपके मसाइल को हल करना मेरा अव्वलीन फर्ज है। फैसलाबाद के ताजरों ने तहरीक इंसाफ का साथ निभाया और अब हमारी बारी है कि इनके एहसानों का बदला चुकाया जाए। उन्होंने वक्त को यकीन दिलाया कि मेरा हर कदम फैसलाबाद की ताजर बरादरी के हक में उठेगा। रिपोर्ट मियाद नान अली परवेज, डिवीजन ब्यूरो चीफ ग्रेट न्यूज़, फैसलाबाद।